सर्दियों में मखाना के स्नैक्स से बनाए सेहत, जाने फायदे और हेल्दी रेसिपीज। सर्दियों के मौसम में भूख ज्यादा लगती है, इसलिए खाना खाने के 2 से 3 घंटे बाद अक्सर आपको हल्की भूख का एहसास होता है। इसलिए बाजार की उल्टी सीधी चीजें खाकर सेहत की ऐसी तैसी करने से अच्छा है मखाना को और स्नैक्स अपनी डाइट में शामिल किया जाए। इससे शरीर को ढेर सारे पौष्टिक तत्व मिलते हैं और भूख भी शांत हो जाती है। आइए जानें इसके फायदे और मखाने के टेस्टी व मजेदार स्नैक्स की रेसिपी। 9.7% आसानी से पचने वाला प्रोटीन, 70% कार्बोहाइड्रेट, 12.8% नमी, 0.1% हेल्दी फैट, 0.5% सोडियम, 0.9% फॉस्फोरस, 1.4 मिलीग्राम आयरन, कैल्शियम, अमल और विटामिन बी। मखाने में कैलोरी बहुत कम होती है और फाइबर काफी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसका सेवन किडनी और दिल की सेहत के लिए फायदेमंद है। इससे आपकी शारीरिक कमजोरी दूर होती है और शरीर में तुरंत एनर्जी आती है। मखाना कैल्शियम से भरपूर होता है, इसलिए हड्डियों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। मखाना ऑफिस या घर में आपके लिए हेल्दी स्नैक्स है। मखाना एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होने के कारण त्वचा पर उम्र के प्रभाव को रोकता है। मखाना प्रीमेच्योर एजिंग, प्रीमेच्योर व्हाइट हेयर, झुर्रियों और एजिंग के अन्य लक्षणों के जोखिम को कम करने में मदद करता है। शाम के स्नैक्स में मखाना खाने के लिए एक पैन में थोड़ा सा तेल या देसी घी डालकर रोस्ट कर लें। इससे मखाने ज्यादा क्रंची और टेस्टी लगते हैं। रोस्ट करने के बाद इसमें नमक या चाट मसाला मिलाकर खा सकते हैं। आप चाहें तो मखाने में काली मिर्च डालकर इसे और भी सेहतमंद बना सकते हैं। मखाना नमकीन काफी पौष्टिक स्नैक्स है। आप चाहें तो इसे थोड़ी ज्यादा मात्रा में बनाकर स्टोर भी कर सकती हैं। इसके लिए पैन में 1 चम्मच तेल गर्म करें और मखानों को कुरकुरा होने तक भूनकर निकाल लें। अब उसी पैन में थोड़ा तेल फिर से गर्म करें और उसमें 1 चुटकी जीरा या सरसों डालें। जब जीरा सरसों पकने लगे तो पैन में लाल मिर्च और करी पत्ता डालें। इसके साथ ही अपने मन पसंद ड्राई फ्रूट्स जैसे काजू, बादाम, पिस्ता, किशमिश आदि डालें। अब इसमें 1 या 2 चुटकी गर्म मसाला और स्वाद अनुसार नमक डालें और मसाला भूनें। इसके बाद थोड़ा सा सूखा पोहा डालें और कुरकुरा होने तक भूनें। आखिरी में मखाना डालकर अच्छी तरह से मिलाएं और कुछ सेकेंड तक भूनें। जब सभी चीजें अच्छे से मिल जाएं, तो गैस बंद कर दें। सबसे पहले 1 कप मखाने को 3-4 छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें, 4 से 5 बादाम को छोटे टुकड़ों में काट लें और 8 से 10 किशमिश के दाने लेकर अच्छी तरह धो लें। अब 0.5 लीटर दूध में 1 चम्मच चीनी मिलाएं और उबलने के लिए रख दें। थोड़ी देर बाद इस दूध में सभी सामग्रियों को डाल दें और उबलने दें। जब दूध पकते पकते लगभग आधा बचे तो इसे ठंडा करके खा लें।